एनसीएस म्यूजिक की बात करेंगे, अगर आप एनसीएस म्यूजिक अपने यूट्यूब वीडियोस में लगाना चाहते हो, वो कहाँ से लाए और कैसे यूज करें, उसका यहाँ पे प्रॉपर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम यूज करें एनसीएस म्यूजिक को अपने यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस में। और देखिए उससे क्या होता है, आपका वीडियो अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल नॉइज होता है वो थोड़ा बहुत आप उसमें हाइड हो जाता है, और आपका वीडियो जो है ना, सबसे अहम बात है आपका वीडियो अच्छे से लगने लगता है, आपका वीडियो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने लगता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप वीडियो में थोड़ा म्यूजिक लगाते हो एनसीएस वाला, तो उससे थोड़ा वीडियो जो है ना इंटरेस्टिंग बन जाता है, और व्यूअर उसमें कभी कभार क्या होता है कि व्यूअर को म्यूजिक अच्छा लगता है और वीडियो को फुल देखता है। और देखो यहाँ पे कैसे वो यूज़ करना है और कहाँ से लाए हम, तो तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जहाँ से आप एनसीएस म्यूजिक यहाँ पे लगा सकते हो अपनी यूट्यूब वीडियोज में और आपका वीडियो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो कैसे करना है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वीडियो पर नए हैं, यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इस चैनल पे आपको डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। देखिए सबसे पहला तरीका, अगर आप YouTube चैनल पे जो है ना YouTube पे सर्च करोगे एनसीएस म्यूजिक, तो यहाँ पे नो कॉपीराइट साउंड इस तरीके का नाम है उस चैनल का, तो उस तरीके उस चैनल पर आपको बहुत सारे एनसीएस म्यूजिक मिलते रहेंगे। अब एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है, आपको क्रेडिट देना है अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो आपका कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आप यहाँ पे जो है क्रेडिट दे दो, क्रेडिट आप दे दो उसके बाद आपका चैनल जो है ना आप वो यूज़ कर सकते हो, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है अगर आप जो है क्रेडिट नहीं दोगे तो कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम आपको वैसे पता ही रहेगा कि क्या होता है, उसमें आपका जो है अर्निंग शेयर होता है। तो यहाँ पे अब दूसरे की बात करते हैं, अब दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपका ब्लॉग चैनल है ना, तो यहाँ पे नो कॉपीराइट ब्लॉग्स उसका कुछ चैनल का इस तरीके का नाम है, आप एनसीएस ब्लॉग्स कुछ लिख लो यहाँ पे, इस तरीके का चैनल का नाम है, इसी चैनल उसी तरीके से आपका जो है करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन भी उसी तरीके से देना है। आप यहाँ पे वो ब्लॉग्स के लिए थोड़ा बहुत ब्लॉग्स के रिलेटेड वो जो है म्यूजिक होता है, अब ब्लॉग्स चैनल है आपका तो आप उस म्यूजिक को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये दो तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका जो है, अब यूट्यूब आपको तीसरा तरीका, आप यूट्यूब यहाँ पे है, यूट्यूब तो वो दोनों ही तरीके थे, लेकिन अब यूट्यूब ही आपको यहाँ पे तीसरा जो है म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे, YouTube लाइब्रेरी, आपको ये पता होगा, अब यहाँ पे क्रोम में आपको ये जाना पड़ेगा, आपको क्रोम में ये मिल जाता है, YouTube जो है लाइब्रेरी में आपको जो है म्यूजिक मिल जाता है जो आप अपनी वीडियोस में यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन गाइज अब यहाँ पे सबसे बेस्ट म्यूजिक आपको मिलता है, वो जो दो चैनल मैंने बता दिए ना, उनमें आपको सबसे बेस्ट जो है म्यूजिक मिल जाता है। आप यहाँ पे लाइब्रेरी में भी आपको अच्छे अच्छे म्यूजिक मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये जो तीन तरीके ना, आप इनसे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस के लिए आप म्यूजिक लगा सकते हो, कोई भी पसंद आए आपको वो आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दो मैंने पहले दो तरीके बताए उनमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, पहला जो है नो कॉपीराइट साउंड इस तरीके का यहाँ पे चैनल का नाम है, और दूसरा नो कॉपीराइट साउंड उनका ही है लेकिन वो ब्लॉग वाला चैनल है, ब्लॉग के लिए आपको वहाँ पे म्यूजिक मिल जाएंगे, ब्लॉग चैनल अगर आप है वहाँ पे उसके लिए आपको जो है म्यूजिक मिलने वाले हैं। तो ये तरीके थे तीन जिससे आप जो है अपना जो है चैनल के यहाँ पे अपने वीडियोज के लिए म्यूजिक जो है ला सकते हैं, इस तरीके से आप म्यूजिक ला सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं ये तीन। तो यहाँ पे ये वैसे तीन तरीके तो है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे, लेकिन इनमें दो है जो है ना वो आपको जो है सर्च करके डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर आपको डाउनलोड करना सीखना है कैसे करना है, तो मुझे यार सोशल मीडिया पे फॉलो करो, यहाँ पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको इंस्टाग्राम में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। अब तीसरा तरीका है क्रोम में, जो कि यहाँ पे YouTube लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यूजिक वहाँ पे भी। अगर आप यार तीनों तरीके पे जो है ना, मैंने जो तीन तरीके बताए इनमें से किसी पर एक पर अलग सा वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आपको भी बना के दूंगा, और डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पर, अगर आपको यार चाहिए वो तो मुझे बता देना। वो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं यहाँ पे इस चैनल पे, यहाँ पे टेक वीडियोस आपको डेली मिलती रहती है, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।